हमें देखना पड़ेगा कि परवरदिगार तो दिखता नहीं,
उसकी कोई तस्वीर नहीं, वो मुजस्सम नहीं है, वो जिस्मानियात से मुनज्जा और मुबर्रा है। तो अब कैसे मारफत पैदा की जाए, कैसे उसे पहचाना जाए, उसकी पहचान कैसे हो? भाई हमने देखा है अहमद भाई को कि ये है, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, हमने पहचान लिया कि ये शियाने हैदर कर्रार है। मातम करते हैं, हम समझ गए ये हुसैनी है। रोजे रखते हैं, हम समझ गए ये सायम है, ये रोजे रखने वाले हैं। हज करके आए, हम समझ गए कि हाजी है। किसी शय को देखने के बाद उसके वजूद का अंदाजा हो जाता है। अब परवरदिगार दिखता नहीं, वो हमारे सामने आता नहीं, तो अब उसकी पहचान कैसे करें? तो परवरदिगार ने कहा घबराओ नहीं, हमने कायनात में कुल शख्सियतों को भेज दिया है, जिनको देखते जाओगे मेरी पहचान होती जाएगी। उन्हें देखते जाओ मेरी मार्फत होती जाएगी। जब ये ऐसे हैं तो इनका पैदा करने वाला कैसा होगा? परवरदिगार ने कायनात में हसन भी बनाया, हुसैन भी बनाया, कायनात में मोहम्मद भी बनाया, अली भी बनाया। ना कोई मोहम्मद का जवाब ला सका, ना अली का जवाब ला सका, ना कोई हसन का जवाब ला सका, ना हुसैन का जवाब ला सका। क्यों नहीं ला सका? क्योंकि परवरदिगार ने मोहम्मद को अपने दरबार से भेजा है, परवरदिगार ने अली को अपने दरबार से भेजा है। आप कहेंगे तो हमें भी तो भेजा है। हमने कहा आपके भेजने में और उनके भेजने में फर्क है। परवरदिगार ने उन्हें हमारा जरिया बनाया है, हमारा वसीला बनाया है, हमारा रास्ता बनाया है कि हम हैं कि जो मार्फते परवरदिगार कराएंगे। अब आज दुनिया ये पहचानने पर मुगालता कर देती है कि किसे पहचाने, किसे ना पहचाने, किसे अपनाए, किसे छोड़ दे, ये भी है और ये भी है। तो अब ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, ये देख लो कौन बख्शिश कराने वाला है, कौन बख्शिश पाने वाला है, ये देख लो कौन नजात दिलाने वाला है, कौन नजात पाने वाला है, कौन सिरात से गुजारने वाला है, कौन सिरात पर चलने वाला है। जो सिरात से गुजारने वाला होगा वो चलने वाले से अफजल होगा, जो जन्नत देने वाला होगा वो जन्नत पे जाने वाले से अफजल होगा। यही तो है अजीजा ने ग्रामी, वसीले खालिस हमें बयान करना है कि परवरदिगार ने इस कायनात में वसीले खालिस भेजा। किसे भेजा? मोहम्मद को भेजा, अली को भेजा, हसन को भेजा, हुसैन को भेजा। हमें इस अय्याम अज़ा में सिर्फ यह बताना रहता है कि ये अय्याम अज़ा हम क्यों बर्पा करते हैं, हुसैन का मातम क्यों करते हैं, हज़दारी क्यों करते हैं, तबर्रुक क्यों बांटते हैं, जुलजना क्यों निकालते हैं, हलम क्यों निकालते हैं, ताबूत क्यों निकालते हैं। वो दुनिया से हम यही कहना चाहते हैं ये आज़ादारी आतंकवाद के खिलाफ एक एहतजाज है, और जो भी आतंकवादी होगा वो हुसैनियों पर एतराज करेगा कि ये गलत है, ये बिदत है, ये बिदत है। तो समझ जाना कि जैसे ही हमें बिदती कहें, समझ लो इनका शजरा यजीद इब्ने माविया से मिलता है, उनका शजरा उससे मिलता है। क्यों? क्योंकि यजीदियों के अलावा कोई हुसैनियों पर उंगली नहीं उठाता। आज तक किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो हुसैनियों को उंगली उठा दे। क्यों? क्योंकि हुसैन ही का रास्ता सिराते मुस्तकीम है, और जो भी हुसैन के रास्ते पर चलता है वो हुसैनी कहलाता है। अब इसमें मजहब की कैद नहीं है कि हुसैन सिर्फ हमारे प्यारे हैं। आप कहते कि नहीं भाई हुसैन सिर्फ शियों के हैं, ये आप एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बच्चों से गुजारिश है, बेटा थोड़ी देर के लिए खामोश बैठो और सुनो कि देखो क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करो। एक बाबा से बलंद सलवात पढ़ने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कि हम मातम करते हैं। अब जब हम मातम करते हैं तो हमारा भाई जुड़ जाता है उससे, वो नहीं देखता है कि ये अहले हमूद है, ये सिख है, ये ईसाई है। क्यों? क्योंकि हुसैन को तो हर इंसान मानता है। क्यों मानता है? कि हुसैन ने कुर्बानी सिर्फ शियों के लिए नहीं दी है, सिर्फ हैदर करार के मानने वालों के लिए कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि हर इंसान के लिए कुर्बानी दी है। अब जहां जहां भी इंसानियत पाई जाती होगी वो हुसैन का एहसान मानेगा और वो फौरन हुसैनी मिशन से जुड़ जाता है। और अगर हम मातम करते हैं तो वो भी मातम करने लगता है, हम क्रिया करते हैं तो वो भी क्रिया करने लगता है, हम ताजिया रखते हैं तो वो भी ताजिया रखने लगता है, हम अलम निकालते हैं तो वो भी अलम निकालता है। अजीजान गिरामी, आप ज्यादा दूर नहीं आइए, हमारी यूपी में बहुत से अहले हुनूद हैं जो ताजिया रखते, ताजियादार, अब अवजदार से ताजियादार, बहुत से आए मना किया ताजिया ना रखा करो, बिदत है, ये क्या है, इस रास्ते को ना अपनाओ गुमराह हो जाओगे। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, डंडा उठाया और डंडा उठाने के बाद दरवाजे से ऐसे बजा भगाया कि जैसे हाजरा ने शैतान को भगाया, उस तरह से वो दरवाजे से भगाते हैं कि देखो हुसैन बाबा के बारे में कुछ ना कहना, हम उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकते। तो मालूम हुआ जब हुसैन के बारे में गैर ना सुन सके तो हम हुसैन के बारे में कैसे सुन सके, जब गैर नहीं सुन पा रहा है, गैर एतराज का जवाब दे रहा है कि हुसैन के बारे में कुछ ना कहना, ये हुसैन बाबा है, ये सब कुछ देने वाले, औलाद मांगा इन्होंने दिया, इज्जत मांगा इन्होंने दिया, शोहरत मांगा इन्होंने दिया, दौलत मांगा इन्होंने दिया, बंगला गाड़ी मांगा इन्होंने दिया। और अजीजों अपनों से ज्यादा गैरों का पूरा करते हैं, क्यों? क्योंकि अपनों का अकीदा इतना कमजोर नहीं होता। हमने औलाद मांगा कि मौला मुझे औलाद दे दीजिए, तो अगर ना देंगे तो ऐसा नहीं कि हम फिर जाएंगे अगले साल मुहर्रम नहीं करेंगे, नौजबिल्ला सब नहीं, लेकिन मौला गैरों की बातों को गहराई से लेते हैं, कहा मौला मुझे औलाद चाहिए, साल नहीं बीता औलाद हो गई। अब उनके ईमान और यकीन में इजाफा हुआ कि वाकयन यही वो शख्सियत है कि जो मौत और हयात पर कब्जा रखती है, यही वो शख्सियत है जो जिंदगी भी दे सकती है और हयात भी दे सकती है। अरे भाई, परवरदिगार ने हमें बनाया तो हमें मादे का मोहताज बना दिया कि जब तक औरत और मर्द ना मिलेंगे तीसरा वजूद नहीं हो सकता, यही तो है। लेकिन इमाम को जब बनाया तो इमाम को मादे का मोहताज नहीं बनाया, दरबार में लगी हुई कालीन और कालीन पर सिर्फ इमाम इशारा करते हैं वो शेर मुजस्सम हो जाता है। कब उसमें हड्डी बनी, कब उसमें गोश्त आया, कब उसमें रूह फूंकी गई, कब वो चलने फिरने के काबिल हुआ, कहा इन्हें सिर्फ इशारा करना होता है, चीज वजूद में आ जाया करती है। अब हुसैन को पहचानो कि हुसैन है क्या, हुसैन को पहचानो कि हुसैन है क्या, तब एतराज किया करो आजादारी पर। हम यूं नहीं आजादारी करते, हम यूं नहीं इमाम का मातम करते हैं, बल्कि मकसद के तहत करते हैं, मार्फत के तहत करते हैं। हमने पहचान लिया है कि यही नजात का जरिया है, हमने जान लिया है कि हुसैनी हमें सरात से पार करा सकते हैं, हमने इनकी मार्फत पैदा कर लिया है। क्यों? क्योंकि यही हुसैन है कि जिसने दीन की नैया को पार लगा दिया। तो अगर हमारे ईमान में कोई कमी होगी तो हुसैन हमारी बख्शिश कराएंगे, लेकिन जरूरी यह है कि मार्फत पैदा की जाए। मार्फत की एक तारीफ हमने बयान की, एक होता है लफ्जी तर्जमा जानना और लोगवी तर्जमा होता है पहचानना। जानने और पहचानने में फर्क होता है। जब मैं आया आपके कमरे में रुका तो आप नाम के जरिए से मुझे जान गए, लेकिन जब मैं मिंबर पर आया मैं आपसे मुखातिब होने लगा, एक दिन दो दिन तीन दिन, तो आपने मुझे पहचानना शुरू किया, अभी पूरी बार पर नहीं पैदा हुई है।
अभी धीरे धीरे आप पहचान रहे हैं कि कितना इल्म है, कितनी जहालत है, ये आप अंदाजा खुद लगा रहे हैं। धीरे धीरे पहचान हो रही, तो हम जैसे जाहिल के पहचान के लिए इंसान को तदरीजन पहचान करनी पड़ती है, तो वो परवरदिगार उसको पहचानने के लिए अगर डायरेक्ट वसीला बनाओगे, पहचान नहीं पैदा होगी। मर्दूद कहते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। हमने कहा परवरदिगार ने वसीला बनाया है। और अजीजाने ग्रामी, आप देखें, अभी हमने फेसबुक में देखा यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु, ओ सऊदी के बड़े मुफ्ती ने, अजीजाने ग्रामी कभी कभी शिया घबरा जाए और घबरा के उल्टे सीधे जवाब दिया करते हैं फेसबुक के जरिए से। जवाब नहीं देना चाहिए, खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि इन्होंने रज़ी अल्लाह यज़ीद को कहा, अब रज़ी अल्लाह का मियार पता चल गया, रज़ी अल्लाह का मियार पता चल गया कि ये किन किन लोगों को रज़ी अल्लाह कह सकते हैं। ए मियार, तो घबराने की बात नहीं, खुश होने की बात है कि इन्होंने कुछ जाहिर कर दिया। अब हमारे मौला के लिए लिखा अली करम अल्लाह वज, हमारे मौला के लिए लिखा है, गुफ्तगू हमें करना नहीं है, हमें तो सिर्फ अज़ादारी को बयान करना है। लेकिन अज़ीज़ाने ग्रामी लोग सवाल करते हैं अज़ादारी कहाँ से लाए, एक रोना कहाँ से लाए भाई। हमने कहा सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल है, हमने कहा सुन्नत नबुव्वत है, नबियों ने क्रिया किया। याकूब अपने बेटे के फराक में क्रिया करते हैं, आदम अपने बीवी के फराक में क्रिया करते रहे कि नहीं क्रिया, इतना क्रिया करते थे कि दोनों आंखों में गड्ढे हो गए थे नाली के तरह, और यहां से आंसू बहता था। ये कौन? हजरत आदम सफी अल्लाह। हजरत नूह का नाम ही नूह पड़ गया क्योंकि इतना क्रिया करते थे, इतना मातमदारी करते थे। क्यों? क्योंकि कौम की तबलीग करते थे, कौम राह रास्त पर नहीं आती थी, इसलिए वो क्रिया करते थे। परवरदिगार की तरफ से उनका नाम ही हजरत नूह पड़ गए। इब्राहिम खलील जब करबला के मैदान से गुजरे और उन्हें पता चला कि आखिरी नबी का नवासा यहां कत्ल किया जाएगा, तो उन्होंने क्रिया किया। आप तारीख में जाके पढ़िएगा, मैं इशारा दे रहा हूं कि कहां कहां क्रिया हुई और क्रिया शुरू कहां से हुई है। और हम ये रोते क्यों हैं, हम अज़ादारी करते क्यों हैं? अब अज़ीज़ाने गिरामी आइए, जिस नबी के हम उम्मती हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस्लाम का पहला शहीद कौन? हजरत हमजा पहला शहीद है। हजरत हमजा पहला शहीद है। जब वो शहीद हो गए तो रसूल ने औरतों को जमा किया और कहा मेरे चचा पर क्रियाजारी करो, और काफी घंटों तक हजरत हमजा पर क्रियाजारी की जाती रही। रसूल जो करे वो फेल हो, कौल हो, अमल हो, वो सब सुन्नत बनता है। अब आप जाके पूछो, ऐ रसूल, आप अपने चचा के मरने पर, चचा के शहादत पर आपने क्रिया क्यों कराई? जब वहां रसूल अपने चचा के शहादत पर क्रिया कराते हैं तो रसूल के लिए बिदअत नहीं होता, तो हम भी नवासे रसूल की शहादत पर क्रिया करते हैं तो सुन्नत रसूल की वजह से यहां भी बिदअत नहीं होता। यही तो है, हम तो देखते हैं क्यों, हम तो असल सुन्नत के मानने वाले। अजान ग्रामी ये भी एक बहस है, चूंकि वक्त कम रहता है, हम बहस शुरू नहीं करते। ये भी एक बहस है, किस शरीयत पर अमल कर रहे हैं? शरीयत मोहम्मदी पर या अपनी बनाई हुई शरीयत पर? अपनी बनाई हुई कहने नहीं, हर इंसान कहता है फख्र से सीना ठोक करके कि नहीं मौलाना, मैं शरीयत मोहम्मदी पर अमल कर रहा हूं। हमने कहा बहुत सी बेढंगी चीज है जो शरीयत मोहम्मदी में ना थी ना है, वो कहां से आ गई? मैं इशारा करता हूं, वो कहां से आ गई, वो क्यों लाई गई,
वो क्यों मनगढ़ंत कहानी इसमें दाखिल की गई? अगर वो दाखिल की गई तो यानी आपने पहले ही बिदअत किया। शरीयत में जो चीज ना हो वो ले आई जाए तो बिदअत, ये तो है। शरीयत में जो चीज ना हो वो ले आई जाए वही बिदअत होता है कि नहीं होता? अब अज़ीज़ाने गिरामी, रसूल के दौर में जो चीज राइज नहीं था उनके शहादत के बाद राइज किया गया यानी इस्लाम में दाखिल किया गया, तो आप अपने बिदत को छुपाने के लिए हमारी इस इबादत को बिदत कहते हैं? हम इस इबादत को जो कर रहे हैं इसे आप बिदत कह रहे हैं? नहीं, बल्कि ये इबादत ऐसी है कि अइम्मा ने किया किया। हजरते इमाम हश्तुम इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम, मुहर्रम का चांद जब नमूदार होता था तो फर्शे अज़ा खुद बिछा के गुलाम कहते थे मौला हम फर्श बिछाएं, कहेंगे नहीं ये फर्शे अज़ा हम बिछाएंगे, हमें मालूम है इस फर्शे अज़ा पर कौन आता है, हमें मालूम है कि ये सरजमीन किसी जन्नत से कम नहीं, आज इस फर्शे अज़ा को हमें बिछाने दो। खुद फर्श बिछाते थे और जो भी मजलिस सुनने आता था उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर गेट पर खड़े रहते थे, उसका इस्तकबाल करते थे कि ये मेरे जद पर रोने के लिए आया। कौन है? इमाम हश्तुम है जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई आजादार तुम्हारे अज़ा खाने में आ जाए तो उसका इस्तकबाल करो, उसके लिए फर्श बिछाओ, उसके लिए एहतमाम करो। क्यों? क्योंकि ये आज़ादार किसी कम अहमियत का हामिल नहीं है। कैसे? अज़ीज़ाने गिरामी, कुछ फरिश्ते यहाँ आते हैं और कुछ फरिश्ते वहीं रह जाते हैं। मजलिस में कुछ फरिश्ते शिरकत करते हैं, कुछ फरिश्ते जो तस्बीह और तकदीस में है वहीं रहते हैं। तो यहां वाले फरिश्ते जो मजलिस को सुन के जाते हैं, तबर्रुक को लेके जाते हैं, जाकिर के बयान को सुन के जाते हैं, तो जब यहां से जाते हैं तो इनका अंदाज बदला हुआ होता है। क्या अंदाज होता? जो खुशबू यहां से लेके जाते हैं उससे पहले उनके जिस्म में खुशबू नहीं आती, जो नूर और चमक उनके चेहरे पर यहां से होती है उससे पहले नहीं होती। और फरिश्ते पूछते कहां से आए? का जमीन पर फर्श अदा है हुसैनी बिछाई गई थी, मैं वहां गया था, वहां मजलिस हुई, मजलिस सुना, हमने मसाइब सुना, क्रिया किया, तबर्रुक लिया, चले आए। कहा भाई ये खुशबू इससे पहले तुम्हारे जिस्म से नहीं आती थी, अब आ रही है, मुझे भी ले चलो। कहा भाई अब कहां ले चले, न जाकिर है न मिंबर, न फर्श है न सामईन, हम तुम्हें कहां ले चले? तो फरिश्ते कहते हैं कि कम से कम जहां मिंबर रखा गया था वो जगह तो है, जो फर्श बिछाई गई थी वो जगह तो मौजूद है, कहां वो जगह जानते हैं? कहा जा ले चलो। अब उस जगह पर जब लाते हैं तो उस जगह की खाक को अपने आंखों का सुरमा बनाते कौन? फरिश्ते, नूरी मखलूक हमारे कदमों की खाक को अपने आंखों का सुरमा बनाते हैं, उन्हें अहमियत मालूम है। ये आज़ादारों की अहमियत क्या है, ये ज़ुवारों की अहमियत क्या है? हज़ीज़ाने गिरामी, आप अपने को किसी कम अहमियत का हामिल ना समझिएगा। शर्त यह है कि मार्फत के साथ आज़ादार होंगे, शर्त यह है कि पहचान के साथ आज़ादार होंगे। दूसरी चीज होती है मार्फत हो गई तो इकरार करना। इकरार क्या होता? कब इमाम हुसैन का जिक्र करो, यही इकरार है। कहा गया है कि अगर बच्चा है और बच्चे को बहुत चाहते हो, दिल में रख रहे हो चाहत को, तो ये इकरार नहीं। बच्चे की चाहत जाहिर किया करो ताकि उसके मोहब्बत में इजाफा हो। जब बच्चे से कहो कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं तो वो मोहब्बत में इजाफा करेगा कि मेरे बाप, मेरे पैदा करने वाले हमको इतना चाहते हैं, इनसे और उनसे लगाव होना चाहिए। इसी तरह से अगर मार्फत हो गई है तो इकरार भी जरूरी है। इकरार कैसे होगा? हुसैन का जिक्र करो,
हुसैन के गम में शिरकत करो, हुसैन के मिशन में जो हो सके वो आप अपना सहयोग दे, ताकि ये मिशन का कारवां रवा और तवा होता रहे, फूलता और फलता रहे और आजादारी का सिलसिला बढ़ता रहे। अजीजों, आज से 40 साल पहले, आज से 50 साल पहले जो आजादारी होती थी, आज की आजादारी में फर्क है। मुख्तसर सी आजादारी, मुख्तसर से लोग थे कि नहीं थे, ये पढ़े कैसे? शौक पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ, मार्फत पैदा हुई, इकरार पैदा हुआ। जब मार्फत और इकरार पैदा हो जाती है, तब इंसान के ऊपर हुक्म जारी किया गया कि अब अमल करो। हुक्म जारी किया गया कि अब क्या करो? अमल करो। अमल क्या है? अमल अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अच्छाई का पैगाम देना और बुराई से रुकना। अलजाने ग्रामी, यह जुमला कहना जरूरी है क्योंकि ताहद्दे नजर मजमा मौजूद है, अल्लाह आपको सलामत रखे, हजारों की तादाद मौजूद है। मैं जुमला कहना चाहता हूं, अक्सर यह होता है कि हक देखते हुए हम अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, सच्चाई होते हुए हम कह नहीं पाते। कोई गलत काम कर रहा हो नौजवान, तो हम निगाह बचा के निकल जाते, क्यों? अगर इसे टोक देंगे तो इसके निगाहों में हम बुरे हो जाएंगे। नहीं है जाने गिरामी, अगर ऐसा किया तो हक को छुपाया, हक को छुपाने वाला कुफ्र से ताबीर किया जाता। काफिर की तारीफ क्या है? लुगत में जाकर के देखिएगा, फिराज़ुल्लाहात में लिखा गया है कि काफिर की तारीफ हक को छुपाने वाला, हक को छुपाने वाला, कि जो भी हक को छुपाए उसे काफिर कहा जाता है। इसीलिए किसान को भी काफिर कहा गया। वो क्या करता है? वो जमीन के सीने को चाक करता है, उसमें बीज को छुपाता है, इसलिए डिक्शनरी में, लुगत में उसे भी काफिर कहा गया, क्योंकि वो भी बीज को छुपाता है। काफिर हक को छुपाता है। तो आप काफिर वही नहीं जो मसलक से काफिर है, हर वो इंसान काफिर हो जाता है जो बज़्म में रिसालत में रहने के बाद हक को छुपाए, जो बज़्म में रिसालत से उठ जाने के बाद हक को छुपाए, जो इमामत के बज़्म में बैठ के हक को छुपाए, जो इमामत के पीछे हक को छुपाए, जो हुजूर में हक को छुपाए, जो गैबत में हक को छुपाए, वो इंसान काफिर हो जाता है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कभी कोई हादसा देखते हुए आपको अगर रोकने का दिल चाहे तो रोक दीजिएगा, बस सिर्फ कह देना काफी, माने ना माने, मनवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि नबी करीम से कहा, परवरदिगार ने रसूल पहुंचा दो, मानना ना मानना इनका काम, तो हमारा काम है रोक देना। हमने कह दिया बेटा ये काम सही नहीं, अब नहीं मानता वो जाने, उसकी जिम्मेदारी। अच्छाई का पैगाम, कोई चीज हम जान गए, एक ऐलान सुन लिया कि फलाए इमाम बारगाह में मजलिस होगी और तमाम लोगों को नहीं मालूम, हमने इस अच्छाई के पैगाम को सबके सामने बयान कर दिया कि भाई फला इमाम बारगाह में चार छह जाकिर आ रहे हैं, मजलिस हो रही है, आप लोग शिरकत करिएगा। ये अच्छाई का पैगाम पहुंचाना होता, अच्छाई की दावत देना होता है, लेकिन क्या करते हैं लोग? हमें क्यों, हमारी जिम्मेदारी है, हम ही करें। नहीं अजीजाने गिरामी, इब्तिदा तो आपको करना है, पड़ेगी। अगर हुसैनी है, अगर शियाने है, तेरे करार है, अगर मोमी है, तो इब्तिदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्फत के बाद इकरार है और इकरार के बाद अमल है। अमल का नाम है वही नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिन मारूफ, इसी का नाम है अमल। अगर कोई इंसान अमल से पीठ पीछे कर रहा है, पीठ फिरा रहा है, तो असल में मोमिन नहीं है। लिहाजा जरूरी, इसीलिए हमारे यहां हर चीज अमल पर रखी गई है कि अमल कैसा है। आप और हम शिया हैं, शिया कह देना काफी, हुसैनी हैं, हुसैनी कह देना काफी है, किरदार भी बनाना पड़ेगा कि नहीं, अमल भी उसी तरह से जाहिर करना पड़ेगा कि नहीं। भाई हमने कह दिया शिया है,
हमने कह दिया हमारी औरतें कनीजाने ज़ैनब हैं, कह तो दिया पब्लिक में और हमारी औरतें बेरिदा निकल रही, तब अमल होगा? कहा नहीं, अमल बेअमल है, लिहाजा इसका कहना बेकार है, इकरार गलत किया है इसने, ये झूठी गवाही दे रहा है, सच्चाई में असल में इसके यहाँ औरतें बेपर्दा निकलती है। नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, अमल से जाहिर करना पड़ेगा। अमल जब होगा, जब किरदार को संवारोगे, किरदार सब संवरेगा, जब अली से दर्स लोगे, हुसैन के बारगाह में आकर के दर्स लोगे, तब अमल दुरुस्त होगा। अमल किस तरह से दुरुस्त कराते? हुसैन ने जिस पर निगाह डाल दी वो अमल के एतबार से दुरुस्त। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, लिहाजा जरूरी है कि ये बारगाह हम ही को जब मिली है तो यहीं से सब ले, किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ दर दर नहीं भटकाया जाता है, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से उस मस्जिद। हमने एक ऐलान कर दिया, सब जमा हो गए, और पैगाम एक ने दे दिया। बार बार पैगाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुसैन ने इत्तेहाद बयान किया है, इफ्तराक नहीं बयान किया है। ये अलग, वो अलग, वो अलग। हुसैन ने कहा जो इंसान है सब एक है, जो इंसानियत रखता है वो एक है, इंसानियत जो रखता होगा वो उसे भी पहचानता होगा। अब अज़ीज़ाने गिरामी, इंसान ने मारफत पैदा की। अब मारफत ऐसी है कि कुछ लोग अपने बनाए हुए को खुदा मानते हैं, कुछ लोग गायब को खुदा मानते हैं, है ना? पत्थर तराशा, हाथ पैर बना दिए, खुद रख दिया, उसके सामने अगरबत्ती जलाई, खुद उसके सामने खड़े हो गए। अली ने काबे में घुस के उन पत्थरों को उठाया और कुल्हाड़े से उस पर मार के दिखाया कि ये खुदा क्या हो सकते हैं जो खुद ही अपनी हिफाजत ना कर सके, खुद ही अपनी हिफाजत ना कर सके, वो खुदा नहीं हो सकता। अब दुनिया जब डरने लगी तो उसने कहा कि ये पानी माँ है, गंगा मैया। आप जाएंगे देखेंगे, गंगा मैया, जमुना मैया, ये सारी चीजें। अब जब दुनिया डरने लगती है तो उस खौफ ज़दा चीज को खुदा समझने लगती है। लेकिन हमारे यहां सीरत अइमा में कहा गया है खौफ रखने का नाम खुदा नहीं है, खुदा डर की चीज नहीं है, खुदा माज़ल्ला मिन्हा कोई वहशी नहीं है कि उससे डरा जाए, बल्कि खुदा की मार्फत पैदा किया जाए। और मेरे मौला ने कहा खौफ ना खाओ, खौफ सिर्फ अपने गुनाहों से खाओ, गुनाहों से डरा करो, कि गुनाह होगे ही नहीं तो तुम्हें किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं हो। अदालत में आपको हाजिर कर दिया गया बेगुनाह, चार्ज लगा दिया गया कि इन्होंने यह काम किया, लेकिन आपका दिल जानता है ना कि हमने किया ही नहीं कुछ। आप चाहे इतने सबूत ले आइए, आखिर में हक जाहिर होके रहेगा, आखिर में हक गालिब होके रहेगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जिसके दिल में चोर नहीं होता है वो इमामबाड़े के दरवाजे को खोल के रखते हैं कि जो जिसको आना हो आ जाए। हम ये नहीं देखते हैं हमारी कम्युनिटी का है, हमारी मसलक का है कि नहीं है। अरे भाई जिसे भी आना है आ जाओ, ये तो इत्तेहाद का मरकज है, ये तो इत्तेहाद का मरकज है। हमारे यहाँ नहीं देखा जाता कि भाई आइडेंटिटी दिखाइए आप कहाँ से, नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि हमने इत्तेहाद का मरकज बनाया है, और ये इत्तेहाद का मरकज है, कोई भी आ सकता है, तकरीर सुन सकता है। हम किसी को बुरा कहते ही नहीं, बुरे को कभी अच्छा कहते नहीं, हम किसी को बुरा कहते नहीं और किसी बुरे को अच्छा कहते नहीं। क्यों? क्योंकि तवल्ला और तबर्रा इसी चीज का नाम है। बुरे को बुरा कहो और अच्छे को कभी बुरा ना कहो, यही तो है। जाने ग्रामी, जहां दीन में अमर बिल मारूफ है वहीं दीन में तवल्ला और तबर्रा है। लिहाजा जब हम अमाल को अंजाम देंगे तो जहां हमने अमर बिल मारूफ किया नहीं अनिल मुनकर किया वहीं हमें तवल्ला और तबर्रा भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम अपनी तकरीरों में माइक लगाते हैं और बाएलानिया कहते हैं हुसैन की मजलिस है। अब हुसैन की मजलिस आप चाहे घर से सुनो चाहे यहां से सुनो, बात एक ही है, क्योंकि हमें पैगाम देना है इंसानियत की और ये बताना है कि कायनात में एक पहला आतंकवादी पैदा हुआ था जो माविया का बेटा यजीद था, उसने यजीद हुसैन के सामने खड़े होने की जुर्रत किया था। हुसैन इब्ने
تخت پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یزید کا بیٹا بیٹھنے کو تیار نہیں۔ عزیز انگرہ میں معلوم ہوا کہ جو حق کو سمجھ جاتا ہے وہ حق کو چھپاتا نہیں۔ تو عزیز انگرہ میں حسین ابن علی نے یہ مارکہ کیوں تیار کیا؟ مدینے سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفے سے کربلا، چاہتے تو کربلا مدینے ہی میں ہو جاتی، چاہتے تو کربلا مکے میں ہو جاتی، چاہتے تو کربلا کوفے میں ہو جاتی۔ یہ کربلا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہوا کیا، ابھی مجرم جرم کرنے کے بعد پکڑا نہیں گیا، نانا کے ساتھ جرم کیا پکڑا نہیں گیا، بابا کے ساتھ جرم کیا پکڑا نہیں گیا، ماں کے پہلو کو شکستہ کیا پکڑا نہیں گیا۔ اب حسین نے کہا میرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کر دیا، ابھی ظالم پکڑا نہیں گیا، بے نقاب نہیں ہوا، اب میں کربلا چلوں گا، اب ہم جب کربلا میں جائیں گے تو ظالم کو بے نقاب کر دیں گے، جب بے نقاب ہو جائے گا وہ پکڑ میں آ جائے گا۔ یہی روکتا ہوں اس گفتگو کو۔ چار چور تھے، چاروں نے چوری کیا، پولیس نے ایک کو گرفتار کر دیا، ایک جب گرفتار ہو گیا پولیس نے ڈنڈا لگایا تو اس نے گنانا شروع کر دیا، فلا بھی دے۔ یزید کو کربلا میں جب حسین نے گرفتار کیا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے نانا کا قاتل وہ تھا، تمہارے باپ کا قاتل وہ تھا، تمہاری ماں کا قاتل وہ تھا، تمہارے بھیا کا قاتل وہ تھا۔ حسین نے بے نقاب کر دیا، نقاب کو الٹ دیا کہ اب تاریخ میں آج سے کوئی اب چھپ کے حملہ نہیں کرے گا، حسین کے بعد اب کوئی چھپ کے حملہ نہیں کہے گیا۔ ایسا نقاب کو الٹا اسی لیے کہا گیا کہ حسین کا انقلاب وہ ہے کہ جس کے بعد بہت سے انقلابی بنے لیکن حسین کی تحریک کو پڑھ کر۔ مہاتما گاندھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حسین کی کربلا کو پڑھ کے تب انقلاب برپا کیا، یعنی کہ حسین نے جو انقلاب کیا تھا اس میں ابھی گاندھی صاحب کو تو اپنے دیش کو بچانا تھا، تھا کہ نہیں؟ گاندھی جی اپنے دیش کو بچانا چاہ رہے تھے، اور حسین کس کو بچانا چاہ رہے تھے؟ حسین نانا کی شریعت کو بچانا چاہ رہے تھے۔ یہ لوگ غلط کہتے تھے نانا کے دین، دین تو تھا ہی، دین تو تھا ہی لیکن شریعت پامال ہو جائے۔ دین میں اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ دین نام اسلام کا ہے اور شریعت نام قانون کا ہے۔ قانون یہ ہے کہ مسجد میں شراب نہیں پی جا سکتی، شراب تو کہیں بھی نہیں پی جا سکتی لیکن مسجد میں بیٹھ کے شراب، مسجد میں زناکاری کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، وہ شراب نوشی بھی کر رہے تھے، مسجد کے حرمت کو بھی پامال کر رہے تھے، مسجد میں زناکاری بھی کر رہے تھے۔ حسین ابن علی نے ان سب چیزوں کو ہٹانے کے لیے، انہیں توڑنے کے لیے، نانا کے شریعت کو بچانے کے لیے یہ خروج کیا، نانا کے شریعت کو بچانے کے لیے یہ اہتمام کیا، نانا کے شریعت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستحکم کرنے کے لیے حسین نے انتظام کیا۔ آج کہتے ہیں یہ اذانیں باقی ہیں، کس کے وجہ سے؟ ہمارے وجہ سے اذان باقی ہے، ہم نے باقی رکھا نہیں۔ حسین ابن علی نے علی اکبر کو کھڑا کر دیا ہے گلدستہ اذان، کہ اذان کا ضامن یہ میرا ہے، شبیہ ہے علی اکبر۔ بس جانے گرامی حسین نے انتظام کیا ہے، بس ضروری یہ ہے کہ معرفت پیدا کرو، ضروری یہ ہے کہ اقرار کرو، ضروری یہ ہے کہ اپنے اعمال سے ظاہر کرو کہ ہم حسین ہیں۔ صرف لباس پہن لینے کا نام نہیں ہے کہ ہم مزہدار ہیں۔ بعض لوگ صرف اور صرف کالا کپڑا پہن لیتے ہیں، بہت اپنے کو کہتے ہیں حسینی، کالا پکڑا کپڑا پہن لینے سے حسینی ہو جاتا کوئی، کالا تو آج کل فیشن ہے، فلم ایکٹر بھی کالا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ ہم عبادت سمجھ کے پہنتے ہیں، وہ فیشن میں پہنتے ہیں، ہم غم حسین میں پہنتے ہیں، وہ اپنا ایک آرٹ بنائے ہوئے ہیں، ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم ان سے نہ ملیں بلکہ وہ ہم سے ملیں۔
हम उनकी बारगाह में न जाएं, बल्कि वो मेरे बारगाह में आए, यहां से सब कुछ लेके जाएं। और अजीजाने गिरामी में बड़े बड़े आते, ऐसा नहीं है, बड़े बड़ों ने यहां आकर के अपने सर को झुकाया, जो नहीं था वो हो गया, जो चीज नहीं थी यहां से मिल गई। क्यों? क्योंकि हुसैन के अख्तियार में वह नून वल कलम, नून भी है और कलम भी। कुरान ने दावा कर दिया कि परवरदिगार नून का खालिक है और कलम का खालिक है। परवरदिगार ने कहीं कलम चलाया, अज़ान ग्रामी ये मिंबर का सदका और ये मिंबर की देन है। ये जुमला इसी वक्त अइम्मा ने मुझे अता किया है, लिहाजा मैं आपके सामने बयान। नून का खालिक परवरदिगार, कलम का खालिक परवरदिगार। अब कहीं कलम परवरदिगार ने चलाया, कलम का काम क्या है कि किसी कोरे कागज पर लिख देना, आप नहीं पहुंच रहे हैं। है? कलम का कागज, कलम का काम है किसी सादे कागज पर, किसी कोरे कागज पर लिख देना, राहिब आया उसके किस्मत का वर्का कोरा था, राहिब आया उसके किस्मत का वर्का कोरा था, हुसैन ने लिखा, एक दे या दो दिया, तीन दिया, सात चीजें लिख दी। यानी मालूम हुआ हुसैन किस्मत को लिखने के लिए परवरदिगार ने हुसैन के हाथों में कलम थमाया है कि किस्मत तुम्हारे हवाले। गिरामी अब हुसैन से मांगो, ये दरबार है देने वाला, रहीम ने मांगा विदा, रसूल से पूछा कि भाई है, किस्मत में नहीं है, नहीं, रसूल ने बयान कर दिया तुम्हारी किस्मत में सादा वर्का है, अब अगर कोई लिख सकता है तो मेरा निवासा लिख सकता है, कोई लिख सकता है तो मेरा निवासा हुसैन लिख सकता है, भाई हसन भी लिख सकते थे, मंजिलत में कोई कमी नहीं, शीरे जहरा दोनों ने पिया है, लेकिन फर्क यह है कि हसन के बाद इमामत हसन के नस्ल में नहीं है, हुसैन की नस्ल में इमामत है, बस फर्क यही है। बाकी हसब में, नसब में, बुलंदी में, सारी चीज में दोनों एक जैसे हैं, वो फर्क ये हो गया कि हुसैन अबुल अइमा हो गए, हुसैन के नस्ल से इमामत आज तक बाकी है। तो हुसैन से राहिब ने नहीं मांगा, हसन से राहिब ने नहीं मांगा, बल्कि मांगा किससे, हुसैन से मांगा, और हुसैन ने लिख करके बताया कि परवरदिगार ने कलम हमारे हाथों में दिया है और अख्तियार दिया है कि दुनिया के जेर को तुम जबर कर सकते हो, जबर के को जेर कर सकते हो, यही हुसैन इब्ने अली है। लोग कहते हैं कि हुसैन ने करबला में मौजदा क्यों नहीं दिखाया, तो परवरदिगार कहता है कि इम्तिहान लेना हमारा काम है और साबित कदम रहना तुम्हारा काम। हदीसे कुदसी में फरमाया कि इम्तिहान लेना मेरा काम है और साबित कदम रहना तुम्हारा काम है। हुसैन करबला में इम्तिहान दे रहे थे, मौजजा नहीं दिखा रहे थे। अगर चाहते तो मौजजे के जरिए से एक ही हवा में यजीदी लश्कर को उड़ा के शाम के किनारे लगा देते, लेकिन हुसैन करबला में मौजजा दिखाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सब्र का जौहर दिखाने के लिए आए थे और इम्तिहान को मुकम्मल करने के लिए आए थे। और इम्तिहान को इस तरह से मुकम्मल किया कि कायनात में हम तो इंसान हैं, पत्थर रोए, नबातात रोए, जमादात रोए, चरिंद और परिंद रोए। दस अजीजों, चूंकि वक्त तमाम है और इन अयाम में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि गिरिया करें, क्योंकि अयाम अजा बहुत मुख्तसर होते हैं और जल्दी जल्दी तमाम हो जाते हैं। चार मुहर्रम की शब है आज, तीन मुहर्रम का सूरज गुरूब हो गया। अजीजाने गिरामी, हुसैन धीरे धीरे करबला बना रहे हैं और हुसैन कुर्बानी के
करीब आते जा रहे हैं। ज़ैनब को यह मालूम था कि मेरा माजाया 10 मुहर्रम को कत्ल किया जाएगा। ज़ैनब को यह मालूम था मेरा अकबर 10 मुहर्रम को तीर का फल खाएगा। ज़ैनब को यह मालूम था मेरे असगर को शहशोबा तीर लगाया जा रहा है। जब 3 मुहर्रम का सूरज गुरूब हुआ होगा ज़ैनब तड़प गई होंगी, हाय अब मेरे माजाए को दुनिया से रुखसत होने में सिर्फ 7 दिन बचे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न लुराए। अज़ीज़ाने गिरामी, सोचा था हमने के हुर का मसाइब कंप्लीट करूंगा, लेकिन सुबह हमने मसाइब पढ़ दिया था, तो लिहाजा अब नया मसाइब में शुरू करने वाला हूँ। मैदाने महशर का जब हंगाम होगा तो एक मुनादी निदा देगा, ए महशरियों अपनी आंखों को बंद कर लो। महशरी कहेंगे क्यों बंद कर ले? कहा अपने आंखों को इसलिए बंद कर लो कि मोहम्मद की बेटी मैदाने महशर में आने वाली है, अपने बेटे का दावा परवरदिगार की अदालत में पेश करने वाली। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको उसी गम में ना रुलाए। अज़ीज़ाने गिरामी, सिर्फ महशरियों से इस मुखातिब नहीं बल्कि नबियों से कहा जाएगा, ऐ नबियों, ऐ इब्राहीम खलील, ऐ आदम सबी, ऐ नूह नजील्ला, अपनी आंखों को बंद कर लो क्योंकि मोहम्मद की इकलौती बेटी इस हाल में आ रही है कि तुम देख के बर्दाश्त न कर पाओ। यही नहीं बल्कि मोहम्मद से कहा जाएगा, है मोहम्मद तुम भी अपने आंखों को बंद। मोहम्मद कहेंगे कि अरे मैं क्यों अपने आंखों को बंद कर लूं, मेरी तो बेटी आ रही है। अली से कहा जाएगा, अली तुम अपने आंख को बंद कर लो। अली कहेंगे अरे मैं क्यों बंद करूं, मेरी तो सौजा आ रही है। एक बार तो आवाज आएगी इसलिए बंद कर लो कि ज़हरा इस हाल में आ रही है, एक हाथ में मोहसिन का लाशा, दूसरे हाथ में अली असगर के चूल्हे की जली हुई लकड़ी, हुसैन का कुर्ता खून आलूदा लिए हुए मैदाने महशर में जहरा रही है और अपना दावा पेश करने वाली। ज़हरा की सवारी आ जाएगी, जब ज़हरा की सवारी आ जाएगी तो एक मर्तबा ज़हरा पेशे परवरदिगार अपना शिकवा पेश करेंगी, ऐ महबूब मेरे हुसैन को करबला में रुला रुला के मारा गया, अरे कोई ऐसा जुल्म न था जब मेरे बेटे पर ढाया गया हो, अरे मेरी बच्चियों को करबला में पेरी दा करके कशा कशा पिराया गया। इसका कोई गवाह? ऐ परवरदिगार तू ही गवाह बुलाए। एक मर्दा परवरदिगार फरिश्तों को हुस्म देगा कि हुसैन को बुला के लाओ और हुसैन से कहो तुम्हारी दुखियारी माँ तुम्हारे शहादत का दावा पेश कर रही है और इंसाफ चाहती है, आप हाजिर हो? अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन कहेंगे हम तन्हा नहीं जाएंगे करबला में, मेरे साथ मेरी माँ जाएगी थी, वो भी मेरे साथ जाएगी। फरिश्तों को हुक्म होगा जनाबे ज़ैनब में कुलसुम के लिए। जब ज़ैनब में कुलसुम के पास फरिश्ते आएंगे चलिए, तो एक मर्तबा ज़ैनब में कुलसुम कहेंगी हम तन्हा पेरिदा नहीं हुए हैं, हम तन्हा असीर नहीं हुए थे, बल्कि मेरे साथ मेरा भतीजा भी असीर हुआ था, उसे भी बुलाया जाए। परवरदिगार पूछेगा फरिश्तों से कि जा सैयद सज्जाद को बुला के लाओ, जब सैयद सज्जाद आ जाएंगे तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहेंगे परवरदिगार मैं कैसे सबूत पेश करूं कि किस तरह शाम के दरबार से गुजरा, किस तरह शाम के बाजार से गुजरा, किस तरह इंतजाद के बाजार से गुजरा। अज़ीज़ाने गिरामी, परवरदिगार
नबियों को बिठाया जाएगा, मैं हारूत की सैयद सज्जाद को दी जाएगी। अब सैयद सज्जाद ऊंट की मेहार को लेके मैशरियों के दरमियान से जब गुजरेंगे, मैशरियों में हंगामे कोहराम बरपा हो जाएगा। वाह हुसैना की सदा जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अज़ा निगरामी, मैं कहा करता हूं बार बार, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा है अबू बसीर तुम गिरिया नहीं कर। एक मरतबा अबू बसीर ने रुमाल दिखाया कि मौला मेरा पूरा रुमाल अश्कों से तरेगा नहीं, इस तरह से गिरिया नहीं करते, बल्कि इस तरह से गिरिया करो कि जिस तरह से मेरी चद्दा जन्नत में गिरिया करती है। और अजीजों, अगर आंसू नहीं आते तो नजरें नीची कर लिया, आंसू नहीं आते तो तौबा किया, कि परवरदिगार हमारे गुनाह माफ कर दे ताकि अश्के गमे हुसैन हमारे आंखों से जाए। हजरत इमाम सैयद सज्जाद जब ऊंट का मेहार लेके महशरियों के दरमियान, तो आदम अपने दांतों के नीचे अपनी उंगली दबा लेंगे कि हाँ ये कौन जा रहा है, कि ये हुसैन का बेटा जा रहा है, यही बेटा कि जिसने अपने बहनों को बेरिदा होते देखा, अपने भूबियों को बेरिदा होते देखा, हाय कैसे बर्दाश्त किया होगा, इस जवान ने कैसे बर्दाश्त किया होता होगा। अजीजाने गिरामी, आज एक मर्दा सैयद सज्जाद कहते हैं मेरा कलेजा फट जाता है जब मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने बुबियों को मेरी रावी कहता है कि सैयद सज्जाद जब मेहार उनका लेकर के गुजरे, ज़ैनब उस पर सवार होंगी तो कल्बे महशर में देखेगी कि मेरी माँ खड़ी हुई। अजाने ग्रामी, अगर किसी बच्ची को कोई तकलीफ होती है, नफ्सियाती जुमला दे रहा हूं, अगर आप इस पर न रोए तो यकीनन आपको कोई नहीं रुला सकता। कोई बच्ची जब उसे कोई तकलीफ होती है, उसका भाई मिल जाए तो उसे शिकवा नहीं करेगी, उसका बाप मिल जाए तो उससे शिकवा नहीं करेगी, लेकिन तकलीफ के आलम में अगर उसकी माँ मिल जाए, अगर तकलीफ के आलम में उसकी माँ मिल जाए तो वो माँ से सारे तकलीफ को बयान कर देगी। अरे महशर में जब सैयदा को ज़ैनब देखेगी, ऊर से अपने को गिराएंगी उसी तरह से कि जिस तरह से अब्बास घोड़े से गिरे। परवरदिगार आपके आवाजों पर रहमत ना करे, अपने को ऊंट से गिरा ले। दौड़ती हुई सैयदा के पास पहुंचेंगी, सैयदा के गले में अपनी बाहें डाल के कहेगी अम्मा अरे जरा जल्दी आ जाती। महशरियों में कोहराम बरपा हो जाए, फरिश्तों को हुक्म होगा सैयदा से कहो कि माँ बेटी से जुदा है। एक मतलब सैयदा कहेंगी परवरदिगार सब आ गए, कहेगी परवरदिगार सब आ गए, मेरा हुसैन नहीं दिखता, सब आ गए मेरा हुसैन नहीं दिखता, पसंद
شریعت محمد محمد والے محمد کا اور رونے والوں کو جزائے خیر عنایت کرنا، پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کو رومالے سے جدا کے لائق بنا دے، پروردگارا عزادارا سید الشہداء کی حفاظت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بھی عزارا جہاں بھی ہوں انہیں کوئی تکلیف کوئی مرض نہ دینا، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیشہ عزادارن سید الشہداء کو آفت و بلاؤں سے محفوظ رکھنا، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بھی عزادار مریض ہونے شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہونے قرض سے نجات دے، جو بے روزگار ہونے برسر روزگار کر دے، جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد کر دے، پروردگارا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارا ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مرجع العلماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، پروردگارا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارا منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین